छोटे पर्दे पर दर्शकों के इंटरेस्ट के हिसाब से हर तरह के एंटरटेनमेंट सीरियल मौजूद हैं। लेकिन टीआरपी नहीं आने की वजह से कुछ सीरियल्स बंद किए गए, मगर दर्शकों को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई नए शोज शुरू हो गए हैं जिनमें एक्शन से लेकर ड्रामा तक हर कैटेगरी शामिल है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं टीवी सीरियल्स के बारे में जो फरवरी के महीने में शुरू होने जा रहे हैं। नंबर एक, खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले टीवी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की शुरुआत 22 फरवरी से होने जा रही है। ये स्टंट रियलिटी शो काफी पॉपुलर है और अब ये शो एक बार फिर से कई सेलेब्स को एक्शन मोड में लेकर आ रहा है। नंबर दो, एक दूजे के वास्ते। पॉपुलर टीवी शो एक दूजे के वास्ते का दूसरा सीजन सोनी टीवी पर 10 फरवरी से टेलीकास्ट होने जा रहा है। कॉलेज के दो लवर्स करियर में आगे बढ़ जाने के बाद जब आर्मी में मिलेंगे तो चीजें किस तरह होंगी, ये देखना इस शो में काफी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर तीन, इंडियाज बेस्ट डांसर। सोनी टीवी पर रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर 29 फरवरी से शुरू होगा। छोटे पर्दे पर डांस प्लस और डांस इंडिया डांस जैसे शोज पहले ही काफी चर्चा में रह चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि ये शो क्या अलग लेकर आने वाला है। नंबर चार, बैरिस्टर बाबू। कलर्स टीवी पर 31 जनवरी से शुरू हुआ ये शो बैरिस्टर बाबू काफी चर्चा में है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बचपन से ही दकियानूसी चीजों के खिलाफ बोलती रही है। बाद में ये लड़की बैरिस्टर बनती है और फिर असली कहानी शुरू होती है। नंबर पाँच और नंबर छह, नाटी पिंकी की लव स्टोरी और अर्थ आरती। जी हाँ, ये दोनों ही सीरियल हालांकि जनवरी के एंड में शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी 27 जनवरी से टेलीकास्ट होना शुरू हुआ है, जबकि अथार्थी 28 जनवरी से शुरू हुआ है। एक तरफ नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी एक छोटी हाइट वाली लड़की की कहानी है, तो वहीं एनटीवी के इस पौराणिक शो में ग्रेसी सिंह संतोषी मां का किरदार निभाती ही नजर आएंगी। ये दोनों ही कहानी अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन देखना रहेगा कि इन शोज को दर्शकों का कितना प्यार मिलता है।